Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to talk about a polyhalogen compound that is methylene chloride. So without wasting time, let's start today's lecture, friends. First, polyhalogen compound that we are going to discuss is CH2Cl2. Now in nomenclature, we already studied that. What is IUPAC name of CH2Cl2? The IUPAC name of CH2Cl2 is dichloromethane. और इन कॉमन नेमिंग, अगर हमें कॉमन नेमिंग करना है तो कॉमन नेमिंग में हम लिखते हैं मिथेलिन क्लोराइड. कम ऑन फ्रेंड्स, क्या लिखेंगे हम? लिखते हैं मिथेलिन क्लोराइड. इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चलिए, तो सबसे पहले बात होगी आईयूपीएसी नेम क्या लिखेंगे और कॉमन नेमिंग. अब बात करते हैं प्रिपरेशन. चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे प्रिपरेशन. कम ऑन, प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर CH2Cl2, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे इजी तरीका है मीथेन का, हम कर सकते हैं क्लोरीनेशन. फर्स्ट वी कैन प्रिपेयर CH2Cl2 बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सी अगेन, ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था हेलो आल्केन के प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ हेलो आल्केन फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट मीथेन, कम ऑन फ्रेंड्स, मीथेन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स CH3Cl+HCl. बड़ा इजी रिएक्शन है ये, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. यहां से हाइड्रोजन और यहां से क्लोरीन, है ना? HCl हम यहां से रिमूव कर देंगे तो यहां पे क्या बाकी रहा? CH3 और यहां से Cl बन गया ये क्लोरोमीथेन. अगेन इन अ सेकेंड स्टेप क्लोरोमीथेन इज फर्दर क्लोरिनेटेड इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अगेन वन हाइड्रोजन फ्रॉम क्लोरोमीथेन इज एलिमिनेटेड विद वन Cl फ्रॉम डाइक्लोरीन गैस. सो HCl इज रिमूव्ड एंड विल गेट CH2Cl2. यस दोस्तों, ये हो गया सबसे पहले मिथिलीन क्लोराइड का प्रिपरेशन, है ना? मिथिलीन क्लोराइड का फर्स्ट प्रिपरेशन हो गया ये, है ना? चलिए अब बात करते हैं सेकेंड प्रिपरेशन. सेकेंड प्रिपरेशन की बात करें, सेकेंड प्रिपरेशन हम कर सकते हैं क्लोरोफॉर्म से. अगेन क्लोरोफॉर्म दैट इज CHCl3 ऑन हाइड्रोजनेशन. नाउ वी नो दैट हाउ डाइहाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर. कैसे डाइहाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होता है? बाय रिएक्शन ऑफ मेटल विद मिनरल एसिड डाइहाइड्रोजन गैस इज प्रिपेयर. सो अगेन वन हाइड्रोजन फ्रॉम डाइहाइड्रोजन गैस वन एच एंड वन Cl इज एलिमिनेटेड. एक HCl को हम एलिमिनेट कर देंगे और एक एच जो है अगर यहां पे हम कनेक्ट कर दें तो ये हो गया हमारा CH2Cl2, दैट इज मिथिलीन, कम ऑन, मिथिलीन क्लोराइड. क्या बोलेंगे इसको बेटा हम? दिस इज मिथिलीन क्लोराइड. चलिए बेटा, क्लोरोफॉर्म जो है उसका हमने रिडक्शन करा है. देखो अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, इसको हम हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते हैं. वी कैन से रिडक्शन एज वेल, रिडक्शन भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन एड हो रहा है. अगेन क्लोरोफॉर्म का ऑन बेटा, क्लोरोफॉर्म ऑन हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल. ये कोई ट्रांजिशन मेटल है, ये भी हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल है ना, बढ़िया कैटलिस्ट होते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर क्योंकि ये पोरस होते हैं, इसलिए है ना, कैटलिटिक प्रॉपर्टी में हमने बात करी थी. चलिए, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन अगर आप यहां से निकाल दोगे HCl को और एक H यहां कनेक्ट कर दोगे, विल गेट CH2Cl2. अगेन दैट इज मिथिलीन क्लोराइड. आई होप प्रिपरेशंस आपको क्लियर हो गए हैं. अब बेटा हम बात करेंगे इनके प्रॉपर्टी और यूजेस क्या हैं. सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा और फिर हम बात करेंगे इनके प्रॉपर्टी और यूजेस की. चलो बेटा, अगर आपने लिख लिया है इसके प्रिपरेशंस, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, लिख लिया है, तो मैंने यहां पे लिस्ट कर दिया है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन. चलिए सब यूजेस और प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहला जो मिथिलीन क्लोराइड का है ना, सबसे वास्ट एप्लीकेशन जो है ना, सबसे ब्रॉड एप्लीकेशन जो है, दैट इज मिथिलीन डाइक्लोराइड इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट, है ना, एज अ सॉल्वेंट इसको यूज करते हैं. सेकेंड यूज है इसका, इट इज यूज्ड इन पेंट रिमूवर. पेंट को रिमूव करने के लिए, कलर रिमूव करने के लिए हम CH2Cl2 को बेटा यूज कर सकते हैं. थर्ड यूज ऑफ CH2Cl2 इज एज अ प्रोपेलेंट.
इन एरोसोल्स। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको होगा, सर ये एरोसोल का मतलब क्या होता है, अभी तक तो हमने नहीं सुना एरोसोल। तो बेटा एरोसोल का मतलब टाइप ऑफ कोलोइड। एरोसोल क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कोलोइड। यस माय डियर फ्रेंड्स, एरोसोल का मतलब है कोलोइड। अब कोलोइड का मतलब क्या है, मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर बताया था कि जब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर होता है उसको हम बोलते हैं कोलोइड। सो एरोसोल इज अ टाइप ऑफ कोलोइड इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पोज्ड इन गैस और लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर डिस्पोज्ड इन गैस। इजी, अगेन सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस। द डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इन गैस और लिक्विड इन गैस इज नोन एज कोलोइड। एंड दिस टाइप ऑफ कोलोइड माय डियर फ्रेंड्स, दिस टाइप ऑफ कोलोइड इज नोन एज एरोसोल्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। यस, ड्रग्स प्रिपेयर जब हम करते हैं तो सॉल्वेंट CH2Cl2 को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बेटा मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। यस, मेटल को क्लीन फिनिशिंग के लिए एज अ सॉल्वेंट CH2Cl2 हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज हार्म्स ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यस, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है CH2Cl2, याद रखिए आप। नाउ एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ CH2Cl2 इन एयर कैन लेड टू स्लाइटली इंपेयर्ड हियरिंग एंड विजन। यस, हियरिंग एंड विजन में भी है ना बहुत सारी दिक्कतें फेस कर सकते हैं अगर बहुत ही कम लेवल में CH2Cl2 इन एयर प्रेजेंट होगा तो। डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट, अगर हमारे स्किन के कॉन्टेक्ट में रहेगा, स्किन कॉन्टेक्ट में CH2Cl2 रहेगा, इचिंग रहेगा हमें, थोड़ा इचिंग फील होगा, है ना। लिखा है मैंने देखो, इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ स्किन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द आइस कैन बर्न द कॉर्निया। यस, इट इज हार्मफुल फॉर कॉर्निया, याद रखिए आप। एंड लास्ट प्रॉपर्टीज, हायर लेवल ऑफ मिथिलीन क्लोराइड इन एयर कॉजेस डिजीनेस, चक्कर आते हैं उसको डिजीनेस बोलते हैं, नोजिया, अगेन सिकनेस, टिंगलिंग, झुंझुनापन जो महसूस होता है वो, एंड नमनेस, सुन्न हो जाना, है ना, नमनेस इन द फिंगर्स एंड टॉस। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? और एक और आपको याद रखना है, CH2Cl2 का जो प्रॉपर्टी है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम याद करेंगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 313 केल्विन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथिलीन क्लोराइड। आई होप प्रॉपर्टीज है ना इसके प्रिपरेशन और जो एप्लीकेशन इंडस्ट्री है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्लोरोफॉर्म एंड हेलोफॉर्म। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।